students, today we will study next lesson part 10 ईसा मसीह। आज हम इस पाठ में उनके जीवन की मुख्य विशेषताएं तथा प्रेम व शांति की भावना रखने वाले ईसा मसीह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा ईसा का जन्म बेतलहम नाम स्थान में हुआ था। यह स्थान मध्य सागर के पश्चिमी तट के निकट फिलिस्तीन में है। इनकी गणना संसार की उन गिने चुने महापुरुषों में से है जिनकी छाप समस्त मानव जाति पर पड़ी है। उनके जन्म के लगभग 2000 वर्ष बाद भी संसार के करोड़ों लोग उनके उपदेशों को स्मरण करते हैं और उन पर चलने का प्रयास करते हैं। तो इस पैराग्राफ में ईसा का जन्म बेतलहम स्थान में हुआ था। यह स्थान मध्य सागर के पश्चिम मतलब वेस्ट रीजन के निकट फिलिस्तीन पे है। फिलिस्तीन एक जगह का नाम है। ईसा मसीह उन गिने चुने महापुरुषों में से है एक हैं जिनकी छाप यानी कि जिनका असर कई मानव जाति पर पड़ी है। उनके जन्म के 2000 वर्ष बाद करोड़ों लोग उनके उपदेशों यानी कि उनका जो प्रीचिंग जो उनका समाचार वो देते थे का आज्ञा को स्मरण करते हुए यानी कि उनका प्रीचिंग को याद करते हुए उसके अनुसार चलने का प्रयास करते थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। फिलिस्तीन में उस समय यहूदी लोग रहते थे लेकिन वह देश रोम साम्राज्य के अधीन था। एक बार वहाँ जनगणना हुई। उस समय के नियमों के अनुसार लोगों को अपने बच्चों के जन्म पर पंजीकरण कराना पड़ता था। एक गरीब यहूदी बड़ाई जिसका नाम जोसेफ था अपनी पत्नी मैरी के साथ जनगणना कराने के लिए बेतलहम आया। इन्हें रात एक अस्तबल में गुजारनी पड़ी। तो इस पैराग्राफ में उस समय फिलिस्तीन में यहूदी लोग यानी कि यहूद लोगों के निवासी ज्यूइश लोग रहते थे पर वह देश रोम साम्राज्य यानी कि रोमन एम्पायर के अधीन था, उनके अंडर था। एक बार वहाँ जनगणना हुई यानी कि किसी देश में रहने वाले लोग जिसमें उनकी आयु नौकरी आदि से संबंधित सूचनाएं होती है। ओके, तो उस समय के नियमों के अनुसार लोगों को अपने बच्चों के जन्म पर पंजीकरण यानी कि सूची में नाम दर्ज करना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। तो उनमें से एक गरीब यहूदी जिसका नाम जोसेफ था, जोसेफ जो कारपेंटर का काम करते थे और उनकी पत्नी मैरी के साथ वह बेतलहम गए। इन्हें रात में एक हस्तबल मतलब जहाँ घोड़ों की रहने की जगह वहाँ उनको गुजारना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट। वही रात को मैरी ने एक बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम ईसा रखा गया। आगे चलकर यही बालक ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उसी रात मैरी ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने ईसा रखा। तभी आगे चलकर यानी कि जैसे वह बढ़ते गए तो वह छोटा बालक ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध यानी कि फेमस हो गए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। बालक ईसा में महापुरुष बनने के पूरे लक्षण थे। वह धर्म की बातों में रुचि लेते थे
तीव्र बुद्धि, शांत, नम्र और मृदुभाषी थे। ज्यो ज्यो ईसा बड़े होते गए, त्यों त्यों उनकी प्रवृत्ति संसार से हटकर ईश्वर की ओर होती गई। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया। उन्होंने जॉन यहूना नामक महात्मा से दीक्षा ली। तो इस पैराग्राफ में बालक ईसा में महापुरुष यानी कि एक बहुत बड़ा मनुष्य बनने के पूरे लक्षण थे। वह सबसे ज़्यादा रुचि यानी कि उनका इंटरेस्ट धर्म की बातों में लगता था। ईसा मसीह एक तीव्र बुद्धि, शांत, नम्र और मृदुभाषी थे, यानी कि वह एक मनुष्य थे जिनमें विजडम ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और मृदुभाषी यानी कि कोमल वचन बोलने वाले। ओके, जैसे जैसे ईसा बड़े होते गए तो वैसे वैसे उनकी प्रवृत्ति यानी कि मानसिक झुकाव संसार से हटकर ईश्वर की ओर बढ़ता गया। फिर 30 वर्ष की अवस्था यानी कि 30 वर्ष की उम्र के बाद में उन्होंने घर त्याग दिया, उन्होंने सैक्रिफाइस दिया। उन्होंने जॉन नामक महात्मा यानी कि एक साधु सन्यासी जिनका नाम जॉन था, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। जॉन सदा जीवन बिताने वाले महापुरुष थे। यहूना से दीक्षा प्राप्त कर ईसा ने 40 दिन तक जंगल में रहकर उपवास किया। वह निरंतर ध्यान में लगे रहे जिसके फलस्वरूप उन्हें ज्ञान की प्रपत्ति हुई। इसके पश्चात ईसा ने अपने पहला उपदेश एक पर्वत पर दिया जिसमें उन्होंने कहा था, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो इस पैराग्राफ में जॉन एक सादा जीवन बिताने वाला एक महापुरुष थे। ईसा ने यहूना से दीक्षा यानी कि बपतिस्मा प्राप्त कर 40 दिन तक वह जंगल में रहकर उपवास करते थे। वह निरंतर प्रार्थना में ध्यान से लगे रहे जिसका फलस्वरूप उन्हें ज्ञान से प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ईसा ने अपना पहला उपदेश एक पर्वत पर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, धन्य है वह जो नम्र हैं क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब है, ब्लेस्ड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। यू कैन ऑल्सो वंस अगेन रीड बाय योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।